तो देखिए हमें सीड करना है इसे। अब सीड कैसे करेंगे, तो इसके लिए सबसे पहले लिखेंगे दिया है। तो हमारा क्या क्या दिया है, देखिए दिया है ए बी सी एक त्रिभुज है जिसमें डी कोई एक रेखा है जो ए बी और ए सी को डी और ई बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, तो उससे समान अनुपात ए डी और बी डी और ए ई और ई सी में विभक्त करती है, यही लिखना है। त्रिभुज ए बी सी एक त्रिभुज है तथा डी कोई एक रेखा है, डी कोई एक रेखा है जो ए बी को डी बिंदु पर तथा ए सी को ई बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, तो उसे समान अनुपात ए डी बटा बी डी यानी ए डी बटा बी डी ए ई बटा ई सी में विभक्त करती हैं। हम इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, यानी समीकरण एक हो गया ये हमारा। तो हमें सीध क्या करना है, सीध करना है डी समानांतर बी सी सीध करना है। अब इसके लिए हम रचना एक करेंगे, रचना तो रचना में क्या लिखेंगे हम, तो रचना में लिखेंगे देखिए रचना कर रहे हैं एक ये डी ई डैश समानांतर बी सी एक रेखा खींचा। अब इसके बाद प्रमाण में चलेंगे, इसके बाद प्रमाण में हमारा क्या हो जाएगा, प्रमाण में हो जाएगा चूंकि डी ई डैश समानांतर बी सी है इसलिए थेल्स प्रमेय से अगर आप थेल्स प्रमेय नहीं जानते हैं तो इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया हुआ है, वहां से आप इस थेल्स प्रमेय के बारे में जान सकते हैं पूरे डिटेल के साथ। तब देखिए थेल्स प्रमेय क्या होता है, अगर कोई भुजा तीसरी भुजा के समानांतर हो तो वह समान अनुपात में विभाजित करती है, तो डी ई डैश समानांतर है बी सी के, इसे समान अनुपात में विभाजित करेगी यानी ए डी बाटा में बी डी बराबर ए ई डैश बाटा में ई डैश सी। तो ये हमारा हो गया इक्वेशन सेकेंड, यानी समीकरण सेकेंड हो गया ये हमारा। अब देखिए इक्वेशन फर्स्ट तथा सेकेंड से इक्वेशन यानी समीकरण, इक्वेशन चाहे समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड से, तो देखिए फर्स्ट तथा सेकेंड से कैसे चलेंगे, फर्स्ट का हमारा एल एच एस और सेकेंड का एल एच एस ये दोनों बराबर है, ये आर एच एस बराबर नहीं है, तो किसी एक के जगह पर किसी एक का मनावा रख देंगे। तो देखिए इसके जगह पर हम ये वाला मनावा रख देते हैं, तो ए ई बटा में ई सी और बटा में ए ई डैश बटा में ई डैश सी। और देखिए इसके बराबर ये आ गया नो, ये भुजा के बराबर ये भुजा है, तो चूंकि लिखेंगे चूंकि डी ई डैश तथा डी ई एक संपाती रेखा है, संपाती रेखा है इसलिए डी ई समानांतर बी सी प्रूव्ड। आज के लिए इतना ही, तब तक लिए अगले वीडियो में मिलते हैं। कर दो यार, तुम्हारे पैसे थोड़ी ना कटे, कर दो।